तो हेलो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024 पृथ्वी शॉ के शतक से हिल गया आसमानी रिकॉर्ड, ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। तो दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने घुटने की सर्जरी के करीब 6 महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और अपने दूसरे ही मैच में धमाकेदार शतक जमा दिया। पृथ्वी शॉ ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ 185 गेंदों में 18 चौके और 3 छक्के की मदद से 159 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने शतक जमा इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, मुंबई के विस्फोटक ओपनर पृथ्वी शॉ ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी के ए टीम ग्रुप बी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक जमाकर अपनी वापसी का जश्न मनाया। पृथ्वी शॉ ने घुटने की सर्जरी कराने के करीब 6 महीने बाद पेशेवर क्रिकेट में वापसी की और अपने दूसरे ही मैच में दमदार शतक जड़ दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पृथ्वी शॉ ने 185 गेंदों में 18 चौके और 3 छक्के की मदद से 159 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने अपने साथी ओपनर भूपेन ललवानी के साथ 244 रन की साझेदारी करके मुंबई को लाजवाब शुरुआत दिलाई। 40 बार की रणजी चैंपियन मुंबई ने पहले दिन स्टंप के समय 86 ओवर में 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। पृथ्वी शॉ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 बार पहले दिन के पहले सत्र में 2 शतक जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 24 साल के पृथ्वी शॉ ने पहले ही सेशन में शतक पूरा कर लिया था। पृथ्वी शॉ यह कारनामा पिछले साल रणजी ट्रॉफी में कर चुके हैं, जब उन्होंने गुवाहाटी में असम के खिलाफ सैकड़ा जमाया था। इस दौरान पृथ्वी शॉ ने 379 रन की मैराथन वाली पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ और ललवानी की दमदार पारियों के दम पर मुंबई को उम्मीद होगी कि वो बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे। पृथ्वी शॉ की बात करें तो उन्होंने किसी भी प्रारूप में करीब 3 साल से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। उन्होंने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल और वनडे मैच जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं पृथ्वी शॉ का आखिरी टेस्ट मैच 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा, जहां भारतीय टीम केवल 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पिछले साल पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड के वनडे कप में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए चोटिल होने से पहले शानदार प्रदर्शन किया था। वहां उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 244 रन की पारी खेली थी। इसके बाद पृथ्वी शॉ को घुटने पर गंभीर चोट लगी और वो लंबे समय तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।